पर्यावरण संरक्षण सहित स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करने के लिए दिल्ली के बाइकर्स का कैपिटल यजदी जावा क्लब एक ग्रुप सोलन के लिए रवाना हुआ है, जो कि आज सोलन पहुंचा और सोलन में लोगों को पर्यावरण संरक्षण सहित स्वच्छता और कोरोना नियमों के बारे में जागरूक करते हुए चायल के लिए रवाना हो गया। इस राइडिंग का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण सहित कोरोना के बारे में जागरूक करना है। इस ग्रुप में 30 यजदी मोटरसाइकिल्स पर 45 प्रतिभागी सवार हैं। बाइक राइडर्स ने बताया कि हिमाचल में भ्रमण पर आए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हिमाचल में भ्रमण करना है और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने सहित लोगों को स्वच्छता का संदेश देना है और आगे चल जाएगा। इस राइड से हम लोगों में एक मैसेज देना चाहते हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड और टूरिज्म से रिलेटेड, यानी कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं, वहाँ के पर्यावरण को और वहाँ के टूरिज़्म को आप बढ़ावा दें। दूसरा एक मैसेज ये भी रहेगा कि कोविड से रिलेटेड जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं या जिस मार्केट में आप घूम रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो है मास्क वितरण करें और लोगों को इसके प्रति अवेयर करें, लोकल टूरिज़्म को बढ़ावा देना। और ये जो राइड्स हैं वो एक फ़न राइड के साथ साथ एक नॉलेज देने के लिए भी है कि हम कैसे लाइफ में डिसिप्लिन्ड वे से सड़क पर चलेंगे। ये नहीं कि हम बाइक को राइड कर रहे हैं तो हम किसी भी तरीके से ओवरटेक कर रहे हैं या हम रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। डिसिप्लिन मैनर में राइड करना वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई कम्युनिटी नहीं देखता, कोई कास्ट नहीं देखता, एक हमारी रिलेशनशिप बॉन्डिंग ब्रदरहुड हमारी आपस में कम्बाइन हो जाती है कि किस तरह से हम साथ मिलकर चलते हैं और आगे किसी भी मुश्किल को टैकल कर सकते हैं। और ये राइडर में हमारे ग्रुप में, हमारे क्लब में सबसे अच्छी चीज़ है।